कैसे हैं आप सब लोग। किचन विद नौरीन में मैं हूँ आपके साथ। और आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही सिंपल और बहुत ही क्विक बन जाएगी। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ एगलेस मेयोनीज़। तो बहुत ही जल्दी से ये तैयार हो जाएगी, तो चलें इसको बनाने स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी रेसिपीज़ को अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें ली हैं। यहाँ पर मैंने लिया है दूध, ये मैंने हाफ कप दूध लिया है। और ये मैंने ये जो मेजरिंग कप्स होते हैं इससे मैंने इसको मेजर किया है हाफ कप। आप जितनी भी क्वांटिटी दूध की लेंगे उससे डबल हमने लेनी है ऑयल की क्वांटिटी। तो यहाँ पर मैंने हाफ कप लिया है दूध, तो एक कप लिया है मैंने जो रेगुलर हमारा ऑयल होता है वो वाला। और इसमें जाएगा नमक, नमक मैंने लिया है हाफ़ टी स्पून। हाफ़ टी स्पून ही इसके अंदर जाएगी चीनी, चीनी और हाफ़ टी स्पून के बराबर इसमें जाएगा विनेगर। तो बस इन्हीं चीज़ों से बनेगी। तो चलें इसको जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं। और जो दूध मैंने लिया है ये बहुत ज़्यादा चिल्ड है, ये ऑलरेडी फ्रिज का था, लेकिन इसको मेजर करके मैंने तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख दिया था, तो ये हमें बहुत ठंडा चाहिए। तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। और इसको जो है मैं बीटर से नहीं बना रही हूँ, ये वाला जो हैंड ब्लेंडर होता है इससे बनाऊंगी। तो सबसे पहले मैं डालूंगी इसके अंदर दूध, नमक, विनेगर, चीनी, थोड़ी सी चीनी डलेगी इसके अंदर इसकी खटास को बैलेंस करने के लिए। और जो ऑयल है वो हम ज़रा हाथ रोक रोक के डालेंगे। तो सबसे पहले हम इसको जो सारी चीज़ें मैंने दूध के अंदर डाली है उसको डाल के मैं बिल्कुल थोड़ा सा इसको चलाऊंगी इस तरह से। अब मैं इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके ऑयल डालूंगी। तो ये ऑयल मेरा बहुत ज़्यादा इसके अंदर फुल हुआ हुआ है, तो थोड़ा सा पहले हम इस तरह से डालेंगे और साथ साथ करते रहेंगे। दोबारा से डालेंगे ऑयल, 3 से 4 दफा में हम ये पूरा ऑयल डालेंगे। दोबारा से डालूंगी, अब मैं सारा डाल दूंगी ऑयल। देखें किस तरह से ये गाढ़ी होना शुरू हो गई, लेकिन इसको अभी हम थोड़ा और चलाएंगे। ये ब्लेंडर से ही आपको पता चलना शुरू हो जाएगा कि ये अंदर थिक हो गई है। ये देखें ये अच्छी खासी थिक हो गई है। तो ये देखें ये रेडी हो गई है। और ये देखें किस तरह से ये थिक हो गई है। तो इसको निकालूंगी मैं और आपको दिखाती हूँ इसको निकाल के। देखिए इसको निकालती हूँ मैं, देखें इसका टेक्सचर कितना अच्छा है। और ये कितनी, देखें इसकी आप थिकनेस देखें कितनी अच्छी है ये। और ये बहुत ही मज़े की बनती है। और देखें बिल्कुल इसमें कोई एग वगैरह नहीं डाला और ये बहुत ही मज़े की बनती है। तो कभी भी आपके घर में अगर मेयोनीज़ ख़त्म हो गई है तो झटपट से आप इसको बना सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी सी बनती है। और देखें ये कितनी ज़्यादा बन गई है, अभी भी इसमें काफ़ी सारी है। तो थोड़ी सी और निकालती हूँ मैं इसके अंदर, ये देखें। तो आप लोगों ने मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, इंशाल्लाह ये आपको अच्छी लगेगी। और एक बात मैं और आपको बता दूं कि जब आप इसके अंदर ऑयल डाल रहे हों तो कभी कभी ये फट भी जाती है इसके अंदर, कि ज़्यादा ऑयल चला जाए तो ये थोड़ी सी फट जाती है, अलग अलग सी होने लगती है। तो उस टाइम आपने क्या करना है, इसके अंदर 1-2 टेबल स्पून के बराबर आप ठंडा दूध जो हमने पहले यूज़ किया था वैसा ही इसके अंदर आप 1 टेबल स्पून पहले डालें और फिर इसको मिक्स करें। तो ये जो है दोबारा से सेट हो जाएगी और इस तरह की शक्ल में आ जाएगी। तो आप इसको बना के रखें, ये 1 हफ्ते तक बिल्कुल ठीक रहती है। तो कम कम ही बनाएं तो ज़्यादा बेहतर है।
तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ये आपको अच्छी लगेगी। और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह एक और सिंपल और मज़ेदार रेसिपी के साथ मैं दोबारा हाज़िर होंगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।